हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूँ राणा प्रताप कुशवाहा। आज आपको 0 to 8 का चौथा वीडियो है यानी क्लास 4 है, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वह है आपका नाउन, यानी नाउन के आधुनिक ग्रामर के अनुसार 5 भाग होते हैं, उसी के बारे में आज मैं बताऊँगा। और पुराने ग्रामर के अनुसार जो 2 भाग होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी आधुनिक ग्रामर के अनुसार जो नाउन के 5 प्रकार होते हैं वो कौन कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दो नाउन जानते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में बताते हैं। यानी प्रॉपर नाउन का सिंपल सा परिभाषा हो गया वह नाउन, या ऐसे बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, जंतु, स्थान के खास नाम। क्या बोलेंगे? खास। यानी खास छूट गया तो समझिए नाउन चेंज हो जाएगा, यानी वो कॉमन नाउन चला जाएगा, दूसरा नाउन हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है किसी व्यक्ति, वस्तु, जंतु, स्थान के खास नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी इसमें हमेशा क्या आना चाहिए? खास। क्या आना चाहिए? खास। यानी खास नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। अगर आप ऐसे बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, जंतु, स्थान के नाम को केवल बोल देंगे, खास छोड़ देंगे, तो आपका नाउन का परिभाषा हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा। अब वहीं खास जोड़ देंगे तो आपका प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन हो जाएगा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जंतु, स्थान के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब अभी समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा खास क्यों बोलेंगे और क्यों नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम, गीता, पटना, 3 नाम हमने लिख दिया। अब किसी व्यक्ति, वस्तु, जंतु, स्थान, अब मान लीजिए राम किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन एक खास व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? खास व्यक्ति। अब ये मत समझने लगिएगा कि खास राम महापुरुष थे, वो मतलब भगवान थे तो वो खास है। नहीं, ऐसा नहीं। राम की जगह मोहन भी लिख सकते हैं। यानी कोई खास नाम, यानी जिस नाम को हम लेंगे तो दूसरा कोई व्यक्ति न हो। जैसे कह दिए राम, तो केवल राम होगा, दूसरा कोई होगा नहीं। यानी खास नाम है, इसीलिए आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कहें गीता, तो गीता कहने से केवल गीता होगी, दूसरा कोई लड़की होगी? नहीं होगी। इसीलिए गीता आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पटना कह दिए तो पटना आपका एक शहर है मान लीजिए, तो पटना कहेंगे तो पटना ही होगा, दूसरा कोई पटना होगा, दूसरा कोई शहर होगा? नहीं। तो इसलिए खास नाम है, इसलिए इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। यानी सिंपल सब बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, जंतु, स्थान के खास नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी ऐसा नाम जिसके नाम लेने से कोई दूसरा व्यक्ति न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। आप ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, यहाँ पे ETC लिख देंगे। अब यहीं आइए आप कॉमन नाउन में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? यानी वह नाउन जिसके नाम लेने से पूरी जाति का बोध हो। जैसे हम खास बोलते थे, उसके जो ऐसा लेंगे कि वह नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन की डिफिनेशन हो जाएगा वह नाउन जिसके नाम लेने से उस नाउन के पूरी जाति का बोध हो जाएगा, यानी सबको वह संपर्क करा देगा, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था राम, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया था। अब मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर राम की जगह बॉय, तो बताइए बॉय कहेंगे तो केवल राम होगा कि और भी लड़के हो जाएंगे? कोई भी लड़का हो जाएगा, मोहन, सोहन, कोई भी। इसलिए बॉय क्या कर रहा है? ऐसा नाम है जो पूरा जाति यानी लड़का वाला जाति जितना है सबका बोध करा दे रहा है, इसलिए बॉय क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन। अब गीता की जगह मान लीजिए हमने लिख दिया गर्ल, गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि गर्ल कहेंगे तो गीता, सीता, मीता, गीता कोई भी हो सकती है, इसलिए आपका गर्ल आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और वहीं गीता क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। बॉय हो गया कॉमन नाउन, राम हो गया प्रॉपर नाउन, मोहन हो गया प्रॉपर नाउन, बॉय हो गया कॉमन नाउन। अब मान लीजिए पटना, पटना कहे तो केवल पटना ही हुआ, दूसरा कोई शहर हुआ ना, इसलिए पटना प्रॉपर नाउन है। लेकिन यही भी पटना का जगह हम सिटी लिख दें, यानी सिटी, तो सिटी मतलब हो गया शहर, तो शहर कहने से कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कोई भी शहर हो सकता है, इसलिए आपका सिटी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और पटना क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो यह उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंट, यानी अंतर क्या है, किसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, किसे कॉमन कहेंगे। सब क्लास लेने के बाद मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन दूंगा कि कैसे इसको छांटते हैं, कैसे पिकआउट करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है कोई कॉम्पिटिशन में।
थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी होगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।